तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब गाइस। आज की वीडियो में यहाँ देखिए काफ़ी बड़ी न्यूज़ आपके लिए आई है। एयरफोर्स एग्ज़ाम जिनका भी था वो पोस्टपोन्ड हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्यू टू कोरोना वायरस। ठीक है, तो नोटिस में लिखा हुआ है, इन व्यू ऑफ द आउटब्रेक ऑफ कोरोना वायरस वेरियस गवर्नमेंट एडवाइजरीज एंड सेक्शन 144 एट मैनी प्लेसेस। ठीक है, तो ये जो आपका एग्ज़ाम है स्टार 1 2020 एग्ज़ाम शेड्यूल्ड फ्रॉम 19 से 23 मार्च जो आपका होने वाला था वो पोस्टपोन्ड हो चुका है टू द लास्ट वीक ऑफ अप्रैल 2020। यानी कि ये जो एग्ज़ाम अब होगा आपका ये अप्रैल के लास्ट में होगा, यानी कि मान के चल सकते हैं आप 24 से 30 अप्रैल 2020 तक। तो यहाँ पर आपको पूरा 1 महीने का जो बेनिफिट मिला है कोरोना वायरस की वजह से। ठीक है, जिनका भी एग्ज़ाम था वो अब 1 महीना बाद होगा कोरोना वायरस, क्योंकि ये कह रहे हैं इसमें सेक्शन 144 लागू हुई है, यानी कि ज़्यादा भीड़ एक जगह नहीं इकट्ठी हो सकती ज़्यादा प्लेसेस में, क्योंकि सरकार ने लगाया हुआ है कोरोना वायरस की वजह से। ठीक है, लेटेस्ट अपडेट के लिए यहाँ पर इन्होंने बताया यही वेबसाइट है एयरमैन सिलेक्शन CDSE.IN, यहाँ पर चेक कर सकते हैं आप। बाकी जो एग्ज़ाम होगा वो अप्रैल के एंड पे होगा, यानी कि 1 हफ्ते के लिए आपका जो एग्ज़ाम है अब टल गया है गाइस। ठीक है, तो ये आपकी आज की बहुत बड़ी न्यूज़ थी, जो कि एग्ज़ाम आपका अब होने वाला था वो नहीं होगा मार्च में। तो यही था आज गाइस, एग्ज़ाम हो गया पोस्टपोन्ड, और अच्छे से अपना तैयारी करते रहिए, जो कि आपका 1 महीना है अभी गाइस दोबारा। ठीक है, जो तो जी अगर आपको कुछ भी है प्रैक्टिस सेट आपकी तैयारी हो गई है तो और ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए, 1 महीने में आप बहुत कुछ कर पाएंगे। ठीक है, तो एग्ज़ाम जो होगा आपका अप्रैल के लास्ट में अब होगा, यानी कि 24 से 30 अप्रैल के बीच। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही।